कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, और अगर लगन और जस्तजू हो तो इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में से वक्त निकालकर अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेता है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद, जो दिन भर सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बाद शाम में अपने लिए वक्त निकालकर जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ने के लगन और जस्तजू दिन भर की थकन के बावजूद वसीम अरशद को जिम में भरपूर तरीके से एक्सरसाइज करने से ना रोक पाई। मिस्टर लाहौर के 2022 के मुकाबले में रनर अप रहने वाले ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद ने मेहनत जारी रखी और मिस्टर लाहौर 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया। DPO डॉक्टर असद मलही ने मिस्टर लाहौर 2023 का टाइटल जीतने वाले ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद को अपने दफ्तर बुलाकर इन्हें शाबाशी दी और तारीफी सर्टिफिकेट भी पेश किया। वसीम अरशद का कहना था कि मिस्टर लाहौर का मुकाबला जीतने की बहुत खुशी है क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई है। वसीम अरशद का कहना था, मिस्टर लाहौर तो बन गया हूँ, अब मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान बनना वसीम अरशद का ख्वाब है।